खबर है जनपद लखीमपुर खीरी से, जी आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कमेटी के स्टेटस रिपोर्ट फाइनल कर दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एसआईटी ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने वाली मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए यूपी राज्य को 2 बार सिफारिश भेजी थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबूतों से पुष्टि होती कि आशीष मौके पर था, उसे घटना के दिन डिप्टी सीएम के मार्ग में बदलाव के बारे में जानकारी थी। दरअसल बीते 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपने जीप से किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष मिश्रा के ड्राइवर समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष मिश्रा घटना स्थल पर मौजूद था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। वहीं आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ पर इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी सरकार का क्या रुख है।